वो सब पिरा दियो, मैं बीच में जना मिस भी करने लगे सब है वो लगाया अपन कर तो टोपी में आयो। जबरदस्त ट्रेंड है अभी हाल फिलहाल, तो गंगा सिंह जी जो बांधा करता अपना बीकानेर वाला इंग्लिश साफो, उरे मुठ होवे पीछे छुरंगो होवे ऊपर पंख होवे, वो साफो ट्रेंड में मैं था ना चाची चीज भी सिखा दूंगा कड़प दिए किया जावे जो बहुत ही सस्ती पड़ेगी 2 रुपया 3 रुपया कॉस्ट में। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम साहब, मैं मनोज और थे देख रहे हो जिल को चुरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चुरू जिले की स्पेशल कवरेज देश का स्पेशल कवरेज के तहत ही आज चुरू जिले के तारानगर क्षेत्र में हम मौजूद हाँ। ब्याह शादी और ट्रेंड है जो चल रही है, ब्याह शादी के अंदर भी एक ट्रेंड है आजकल साफा को चल रहा है। पहली चाय लेकर तो लेकिन बीच में है जो मिस मार गयो और मितेश जी जुड़े है कि टाइप का साफा आजकल चाल रहा है कि यहाँ बांध सके है कि यहाँ बांधना चाहिए और के ध्यान है जानी रखनी चाहिए। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। अच्छा आजकल साफा में ट्रेंड है जी वो कितों ज्यादा चल रही है क्षेत्र में, क्या साफा बंदे हैं? जबरदस्त ट्रेंड है अभी हाल फिलहाल, बीच में एक बार थोड़ो विलुप्त हो गयो और खास करके राजपुरोहित चारण और राजपूत जी का है अंग प्रिया सदा ही रही है ऐसा फैने पाछो लावा और धोती कुर्ता ने पाछो लावा, हमेशा प्रयासरत रहे है वे। और अब लाग रही भी है कि प्रयास है वो कुछ हद तक सफल भी रहे हुए हैं। एवं थोड़ा सो पहली बात करा तो जहाँ खाली फूंपा फूंपा तय सीमित रह गयो कि फूंपा तय कर फूंपा फूंपा ने बंदा दे, लेकिन आजकल देखा कई की बरात के अंदर या पूरी बरात के अंदर साफा वगैरह है जगह बंदे जगह। हाँ बिल्कुल, आजकल जो बराती है 90 है 100 है तो बंगे सबके साफो बंधन जन लाग गयो। और पहली तो ये हो कि अपने बडका है तो खाली बडका में 5-4 साफा बंधा करता, अब तो पूरी बारात कई कोई भी शादी फंक्शन को बांधा तो 70-75 साफा बांध के आवा और आवे मारू संपर्क करे पब्लिक तो क्वांटिटी में बंदर लगे और जिस और भी होगा कि चलो अपनी संस्कृति जीवती है। एक चीज आजकल कितने टाइम में किसी रिकॉर्ड वगैरह भी माने कोई एक मिनट अपनी साइड शायद प्रतियोगिता वगैरह तो कोनी हुआ टाइप की? ना ना अपने अठे लोकल सिखा टीम कोनी होने लग रही, बाकी बीकानेर में खूब हुआ है, जैसलमेर में खूब हुआ है, अपने अठे भी हाल फिलहाल कोनी ऐ पर भी प्रयास करांगा जहाँ अपने तारानगर में हाँ 3-4 बंदारा तो मैं बना के यूनियन प्रयास करांगा कि तरीके को कोई कंपटीशन होवे प्रतिभा उभर के आगा आवे। की टाइप का साफा है जिका जी अपने क्षेत्र के अंदर प्रचलित है? देखो पूरे राजस्थान की बात करा तो हर जिले को एक न्यारो साफो है, जालोर को जालोरी, बाड़मेर को बाड़मेरी, जैसलमेर को जैसलमेरी, पर आपने जो पूरे ट्रेंड में वो जोधपुरी साफो बोलिया करे गोल गोल में तो वो जोधपुरी साफो ट्रेंड में, और दूसरो गंगा सिंह जी जो बांधा करता अपना बीकानेर वाला इंग्लिश साफो, उरे मुठ होवे पीछे छुरंगो होवे ऊपर पंख होवे, वो साफो ट्रेंड में है। दो तरीके का साफा अपने खूब ट्रेंड में सीखी किया है मैंने, क्योंकि सीखना भी अपने आप में बड़ी चीज है। थाने बताऊ मैं क्या तो बह बात होगी क्या सुनार ना आप पूछा क्या थे गढ़ाई कद सीखी तो आ गढ़ाई तो बंदा खून में ही होवे, बाद में तो वो आपकी प्रतिभा निखारे। तो थाने बताऊ मैं क्या उज्जैन है ब्राउन ने बाट में बम बाटा भी बही मापा देखांगा तो साफा के इतिहास में थाना वो पाओगे कि साफा को जन्म दाता ही एक राजपुरोहित है और मैं भी बाईकास्ट राजपुरोहित ही हूँ तो मार तो दादा पर दादा सदा बांधता है, राजा महाराजा का टाइम ही मैं बांधा करता, अब मारा काको साहेब है बांधे बहु पहली मार दादो सा बांधता परदादो सा बांधता। थाने एक स्टोरी बताऊं इन बात पर कि राजस्थान में जोधपुर में जो राठौड़ी राज स्थापना हुई बी टाइम राव सीओ जी आया कन्नौज उत्तर प्रदेश तो वह देपाल जी राजपुरोहित के साग आया और अठे पल्लीवाल ब्राह्मण होया करता अठे बी एरिया मंडोर एरिया में पाली के आसपास तो बैठे की है वो डकैत टाइप को बांगो राज हो तो वह ब्राह्मण रिक्वेस्ट करिए गए थे आजाद कराओ तो जो देपाल जी और राव सीओ जी आ बना आजाद करायो और बिंग बाद में बैठे मंडोर को राज संभालियो तो वो राज तिलक देपाल जी राजपुरोहित करियो बांगे साफो बांधियो भी दिन जोधपुरी साफो प्रचलन में है। जद ही में प्रयासरत हाँ राजपुरोहित वापिस ही साफ ने धरातल पर लाने वो प्रचलन बढ़ाने संस्कृति ने जीवती रखने के लिए। एक साफा के अंदर लगभग टाइम है जो कितो लग जाए? टाइम देखो वो डिपेंड करे कि संख्या कितनी है अपन कितना आदमी का मानना है और कितो टाइम पड़ी हुआ है बात हो गया हमने जितना दबाव है उतने बना दिया बाकी देखो साफो 5 मिनट में ही बन गया और साफो 3 मिनट में ही बन गया तो मान के चलो थे फुल क्वांटिटी में साफा खूब है तो 3 मिनट की एवरेज
अजय ढाई तीन की, और फिर से तू बंदा कोई दुल्ले को साफ हुआ है और है तो मैं 5 मिनट लगा दू। आजकल जो है अगर कोई सीखना चाहे टाइम की तो लग गया सीखने के लिए बिया, तो देखो हम कोई भेद को नहीं अन टाइम मारना हुआ है, और अंटो वो एक खुद में ही एक अंटो पकड़ में आवा है भाई, खुद ही सेपरेट भाई के विद्या बन जाए साफ प्रैक्टिस मांगा साहब। तो मेरे हिसाब से 20-25 बार आप अभ्यास कर रहे हैं ना तो सफाई आ जाएगी, बाकी कोई भेद को नहीं मारना अंटा ही होए। अब जिको आपने साइड को प्रचलन है वो बांध के देखांगा, और मैं थे है जिको सीख भी इसको साथ ही साथ सिखाने भी आप कोशिश करांग, क्योंकि वीडियो पर्पज है वो खाली वही नहीं रहेगा, जानकारी है सारी जानकारी भी और भी कुछ बचेड़ी होगी भाई साहब कन, तो आप जानकारी लेंगे। और अब जो आपने साइड के अंदर जो साफो बांधे जावे बिन आप देखांगा के क्या बांधे जावे, सब पहले तो आप पंख बनावा जो ऊपर तुर्रो बोले ना तुर्रो खड़े हो रहे वो मैं लिए इन तरीकों सलवट डाल लेंगा पूरे साफे में, तो एंड के अंदर जदा मूठ के अंदर दाबे जागी तो ये पंख की तरह खिल जाए और बहुत ही सुंदर लगे वो, मैंने साफा उल्लू की आएंगी वजह आवे तो तैयार होगी मैं पकड़ लियो। अब मैं रबड़ चढ़ा जाऊंगा, अब साफो बंधन के लिए यार जब साफो बन जाओ तो आप मूठ हटा देगा आप तो वो पंख की तरह खिल जाओ, बहुत ही सुंदर लगे आज चीज। साफो बांधने के लिए सबू पहले तो जय पार्टी का बांध रहे साफो बने पकड़ा देनी चाहिए बाद में की है आज गोल राउंड मूठ आए करे थे, देखो एक कान पर मूठ आवे एक साइड स्ट्रेट खड़ी आवे तो आ साइड आप मूठ बनाओ एंगल ये वो तो पहले राउंड हो जाओ लगभग सिर के हाफ सेंटर में तो आ बनगी मूठ एंड थोड़ा सा राउंड दे देगा रस्सी की तरह अच्छी बहुत सुंदर लगे थे। और स्टार्टिंग का एक या दो राउंड आप एकदम रफली बांध देंगे, फिनिशिंग लेने की कोई जरूरी को नहीं और सफाई पकड़ मजबूत हो जा। तो मैं दो राउंड एक राउंड और दे दूँ रफली, तीन राउंड में बिल्कुल रफ बांध दिया जी मूठ है आ तो कोई ने पकड़ा देनी चाहिए ताकि यह खुले नहीं, और साफे में फिनिशिंग लेनी चाहिए आप। फिनिशिंग लेने के लिए साफे में दोनों पल्ला आप मिला लेंगे और पीछे तक हाथ ले जाऊंगा और लगभग एक बिलांत की चौड़ाई आ जाए तो स्ट्रेट साफो आपने चाहिए। राउंड रफ के बाद में फिनिशिंग लेनी स्टार्ट करनी है आपने, तो आ साइड खड़ी साइड है या लगभग एक बिलांत की आ जाए इसको काम करना है। अब देखो एक बिलांत की मैं स्ट्रेट लिया खड़ी और इन्हें वापिस भाई राउंड मारना चालू कर दिया, बस वही प्रोसेस अपन है पूरा सब एंड नहीं हुआ है इतने दोहरा तो जाना। अब देखो मैं सटासट थाने फिनिशिंग ले जाऊँ और आंटा मारिया जाऊँ, एंड में जब बन जाओ बहुत ही शानदार फिनिशिंग आएगी, सीखने को प्रयास करो देख के अपनी संस्कृति है तो आपने बाद विरासत में अपनी संताना ने नई पीढ़ी ने सीखने मिले तो कहो ही के, और सुंदर भी लागे भैया चीज साफा में रंगों को भी महत्व है वह लाल गुलाबी लहरिया हरिया पचरंगा चूंदड़ी ऐ तो बांधे जाए आनंद उत्साह में ब्याह शादी में कोई जन्मदिन पर कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और कोई उत्साह को प्रोग्राम हो भी में मान सम्मान में कोई ना आपा सम्मान दे रहा तो ऐन तरीके का कलरफुल पचरंगा चूंदड़ी का ऐन तरीके का साफा दिए जाए। एक साफो है जिम्मेदारी को जवाबदारी को जो घर को मुखिया रखे वो ज्यादातर आपने मिलेगा तो तम्बाखू कलर को मिलेगा वो साफो जैने मिलियोडो है या जो बांध रही है वो ही बांधे वो घर का छोटा सदस्य पेगा हाथ तक कौन लगावे वो या तो टेबल पर अलमारी में ऊंचो रखियो जागो अगर सिर पर नहीं है तो या मंदिर में रखियो जागो बेंगी बहुत ही ज्यादा महत्ता है बेना जो अपना बड़ा बुजुर्ग दादाजी अगर बैठे है और बस वो साफो वागू टेबल पर पड़े हुए है तो कोई नयो आदमी आयो तो वो पहली भी साफे ने प्रणाम करेगा और फिर बड़े बुजुर्ग का प्रणाम करेगा इतनी महत्ता है भी साफे की। और जब भी बड़ा बुजुर्ग वो देवगमन हो जाए लोक गमन हो जाए बेंगे बाद वो जो उत्तरादायित्व संभाले वो साफो बिना मिला वो साफे को महत्व है तो इनकी बहुत कदर करनी चाहिए इन्हें देवी देव स्थान पर रखना चाहिए या ऊंचाई पर रखना चाहिए इन्हें पैर नहीं लगाना चाहिए कई नियम है। हेलो साहब इब तक थे देखियो लास्ट राउंड पर पहुंच गए और लास्ट में फिनिशिंग ले आऊंगा आप शानदार सी हाथ फेर के तो एक्स्ट्रा साइज है या अंदर दबा जाऊंगा एवं मुहाड़ी सी बंद जाए साफ है और फिनिशिंग जोर की आवे बहुत सुंदर साफ लगे। अरे फिर से तू बांध दो सागे दर्शकों ने समझा के बांध दो तो शायद मेरे हिसाब में साफ में लाग गई 5 मिनट आराम हूँ। देखो अब इन्हें पीछे ले जाऊंगा और जो यो लास्ट को आयो नहीं वो राउंड वो इन्हें आप छोड़ा ना छोड़ेंगे एंग बार की राउंड ले जाऊंगा गोल ये अब यो मजबूत हो गयो और पंखा रही इससे अठे दबा जाऊंगा मूठ की साइड। अब मैं पंख खोलूंगा और थे सबको भी देखियो मनोज जी देखो तो अब तकरीबन 3-4 मिनट का टाइम है जिको लगे जो कि बतायो कि 3-5 मिनट है जिको यदि आप और सागे थाने थाने समझाओ तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। अब ये साफो आप क्योंकि राजस्थान कल्चर में जुड़ेड़ो है और बहुत सी बातें हैं जी सागे सागे बताई है और वो साफो पिरा दियो मैं बीच में आ देना मिस भी करने लगे साफो है वो लगाया अपन कर तो टोपी में आ गयो
तो अब आगो कवरेज के अंदर हैरी को थाने कोशिश करांग के सपो देखने मिले। और अब भाई साहब और बातचीत करके देख लिया कि बाद में के ध्यान है जी को एक मैं रखना पड़े एवं संबंधित की भी कुछ अपन चीजें है जी के बता रहे हाँ जो कि पुरानी परंपरा है जी की सपो जुड़ेड़ी एक मैंने इतो ज्यादा महत्व है अगर तो प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर अलग अलग महत्वता होती अच्छी चीजें थे बता रहे हाँ बिल्कुल। और आज भी है अठे को नहीं अपने अपन जाओ जोधपुर पाली साइड जाओ तो बड़े जाति विशेष को एक अलग कलर है अपने उरे कोनी बठिन रेबारी होवे धन पशु पाले ग्वालिया टाइप का होवे तो बंगो कलर है लाल साफो और बंग साफो बांधने वो पैटर्न भी की है रस्सी की तरह पूरो साफो गूंथ के और फिर वे बांधेगा भी साफे ने सीधो कोई फिनिशिंग के सागे साफो कौन बात है वो बंगो पैटर्न है बांगी एक पहचान है। और सफेद साफो आपने ऐठे भी है एक जाति विशेष की बात करा तो चौधरियांग है जाट बोला आप तो एक सफेद साफो है। और जोधपुर में बात करा तो सफेद साफो शोक को प्रतीक माने जाए तो वो एक अलग अलग जाति विशेष को भी एक अलग साफो हुआ है। मैं हूँ राजपुरोहित तो मारे बड़ा बुजुर्ग के लिए तमाफू कलर फिक्स आए है बड़ो बुजुर्ग है वो तमाफू कलर को प्लेन साफो गोल पैटर्न में बांधे वो साफ एक जाति की भी पहचान है एक मान सम्मान को भी प्रतीक है वो आ चीज है। अच्छा वो जहाँ साफो है साफो के लिए पगड़ी हुआ है तो बे टाइम जो के टाइप को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैंने कड़प को शायद महत्व से ज्यादा हुआ है। हाँ बिल्कुल साहब कड़प को महत्व हुआ है नो आप साफो ले आया तो बन तो कड़प दिए आवे तैयार आवे कोई मैट्रिक को नहीं एक बार आप यूज में ले लियो साफो भी बाद में दोबारा आपने यूज में लेनो है तो बने कड़प देनी पड़ेगी साहब कड़प और प्रेस और कड़प देना वो साहब लगभग लोगों ने बेरो को नहीं कड़प किया दिए जाए तो भाई धोबी खन जावा धोबी 80-100 रुपया 125 रुपया तक चार्ज कर रही है तो मैं थाना आज ऐसी चीज भी सिखा दूंगा कड़प दिए किया जावे जो बहुत ही सस्ती पड़ेगी 2-3 रुपया कॉस्ट में एंगली अपन के करनो है कि आरा रोट बाजार में आवे 25-30 रुपया किलो आवे और एक साफे के लिए सिर्फ एक चम्मच आरा रोट अपन चाहिए एक एक लोटो पानी गैस पर चढ़ा दो तातो एक लोटो पानी उकाल लो भी पानी ने पूरो पानी बुलबुला पटर लगे 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर उबाल खा रही है बी टाइम छोटी कटोरी में या छोटे गिलास में सादे पानी में और एक चम्मच कड़प मिला लो क्योंकि ताते पानी में गिराना तो गांठ बन जाएगी मैंने ठंडे पानी में घोल लो और गैस बंद कर दो उकलते पानी आ रही और बी मैंने वो मिला के अला दो खानी तो गर्म पानी उबल रही है एक खानी थे अलग पेस्ट बना रखी है मैंने अंदर एक चम्मच ठंडे पानी में कड़प गोलेड़ी है बट ठंडे पानी में गोलेड़ी कलप बैंग अंदर गिर दो उकलते पानी के अंदर थारो गोल तैयार है कड़प को। अब वैसा फैने कड़प के माएगी भाई साफ और पानी मांग रही है डिमांड कर रही है तो ठंडे और पानी मिला लो कोई दिक्कत को नहीं और वैसा फैने भी पानी निकाल के और हड़को हड़को निचोड़ के तनी पर सुखा दो सुबह भाई 2-3 घंटा बाद 5 घंटा बाद देखो तो एकदम ब्लेड की तरह धारदार और खड़े साफो मिला वो थाने बीघा फिर हल्की हल्की प्रेस फेर लो।